कमलनाथ सरकार के किसानों के कर्ज माफी को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह कर्ज माफी बहुत बड़ा धोखा थी, जिनकी वजह से सरकार बनी उन पर ही ध्यान नहीं दिया गया। वे ऐसा रास्ता निकालेंगे जिससे किसानों के खाते में सीधे पैसा जाए। शिवराज ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि इनमें अहंकार था, ये मुख्यमंत्री बने थे, मैं जनता का सेवक हूँ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के किसान कर्ज माफी को किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा बताते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार में मात्र 6,000 करोड़ का कर्ज माफ किया गया था। हमारी सरकार ऐसा रास्ता निकालेगी जिससे किसान के खाते में डायरेक्ट पैसा जाए। कमलनाथ सरकार से हमने निवेदन किया था किसानों का कर्ज माफ करो, ये तो बहुत कम है, नहीं तो हमें किसानों के हित में सड़क पर आना पड़ेगा। कमलनाथ में इतना अहंकार था कि उन्होंने कहा जिसको उतरना है उतरे। कमलनाथ सरकार में विभाग बांट रखे थे। शिवराज ने चुटकी लेते हुए कहा कि कमलनाथ दिग्विजय सिंह के भरोसे निश्चिंत थे, क्योंकि दिग्गी राजा ने कह दिया था कि चिंता मत करो मैं हूँ। बाद में कमलनाथ कहने लगे दिग्विजय ने धोखा दे दिया। दोनों करेंगे। देखो जितनी योजना बनाए, नर्मदावी यहाँ से ले आओ, यहाँ से ले आओ, नर्मदा जी को काली सिंह में जोड़ दो, पार्वती में जोड़ दो। अरे दिल में अगर दर्द नहीं होता तो हो जाता है, ये कहते हैं हो नहीं सकता है, लेकिन करेंगे अपनी चिंता में। देखने कपट का पैसा खा गए हो तो क्या करेंगे आगे। तो गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो, बच्चा जो मेधावी होगा, कोई जाति समाज का हो, सबके मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई वहां हम करवा के चिंता करेंगे। बहनों बेटियों के पैसे बंद कर दिए, इस साल थोड़ा कल्टी में चलूंगा, लेकिन 4 से 8 महीने में व्यवस्था होगी तो फिर करना सर, क्योंकि बनाना है मध्यप्रदेश। पर कुर्सी पर लगना थोड़ी है बैठे रहे कुछ दिन और सोचते रहे मैं मुख्यमंत्री। मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ, मैं तो आपका मुख्य सेवक हूँ। और शायद परमात्मा की इच्छा थी, ऊपर वाले की इच्छा, कितना अपमान किया जुटा देती जी का। सही बात कहते थे ये कर्ज माफी बहुत बड़ा धोखा, मैं कह रहा हूं 6,000 करोड़ का केवल किया। मैं ऐसे रस्ते निकालूंगा कि हर खाते में कैसे पैसा पहुंचे डायरेक्ट, लेकिन वो जो धोखा छठ प्रदेश के साथ हुआ, अगर सच्ची सलाह दो तो जैसे पहले रावण को देते थे ना, कई लोगों ने मालवंत जैसे लोगों ने दिया था कि भैया मान जा रहे मान जा रहे, रावण ने लात मार के भगा दिया। अभी तो कहा कि भाई ये करो, किसानों का कर्जा पूरा करो, अभी तो थोड़ा बहुत हुआ है, अभी तो हमको जनता के लिए उतरना पड़ेगा, कहीं उतर जा सर। अभी होता है जब जिसका सरकार बनाने में इतना बड़ा योगदान हो, क्या उनके साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए? है का रकड़ और बांट लिए दोनों ने, कौन सा डिपार्टमेंट कौन देखेगा। अरे कमलनाथ तो बड़े निश्चिंत थे, क्योंकि दिग्गी राजा ने कह दिया था चिंता मत कर मैं तो हूँ। तो बाद में जब गिरी तो कहीं कमलनाथ कह लगे धोखा दे दिया बाद में। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से
कूटनीति तक। दखन न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।